हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 40-50 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं इंडिया के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं कि आप इसको रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, ताकि आपका आपके अलावा भी जो बाकी लोगों की इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो डे बाय डे इंक्रीज होती रहे। और साथ में आप इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आप एक अच्छा स्कोर है जो कि कर सको। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज है 30 और 31, दो दिन का करंट अफेयर, यानी कि संडे और मंडे दो दिन का न्यूज़पेपर है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले बात करें, ये सारे एग्जाम है यूपीएससी से लेकर रेलवे तक। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस सेशन को कंटिन्यू रखो। जब आप इस सेशन को कंटिन्यू रखोगे तो 99.99% न्यूज है ना, वो आपके हमेशा कवर रहेगी। जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, अरे भाई कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा तो न्यूज़पेपर के बाहर आपको देखने को न्यूज नहीं मिलती है। एवरीथिंग, हर एक न्यूज है जो कि आपके पेपर में आती है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रीवियस डे के क्वेश्चन आज है नहीं, क्योंकि शायद हमने किए नहीं थे सैटरडे को। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर कवर करेंगे आज के दिन, इतिहास में फन फैक्ट और आज के कुछ सवाल है जो कि हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस की तो है नहीं, अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप रेफरल कोड BHU10 है जो कि लगा सकते हैं, या गुणेशन, जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, और 2nd of June से गाइज नया प्लस कोर्स है जो कि आ रहा है SSC कैटेगरी के अंदर, जहां पे मैं कंप्लीट GK है जो कि पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपने कभी अभी तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक GK ये सब नहीं पढ़ी तो पढ़ने का मौका है। 2 जून से सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट होने वाली है, समझ गए। तो UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम के लिए आप BHU10 है जो कि काम में ले सकते हैं। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये सारे बेनिफिट है आपको यहाँ पे 12 मंथ या 24 मंथ में जाके BHU10 है जो कि नीचे लगाना है। ठीक है, 2nd of June, वापस से बता रहा हूं, कब से 2nd of June से शुरुआत है जो कि होने वाली है, ज्वाइन कर लेना SSC प्लस के अंदर। चलिए, आज का कोट ऑफ द डे के बारे में बात करते हैं। कोट ऑफ द डे जो है ये यहाँ पे लर्न इंग्लिश विद नेहा के द्वारा भेजा गया है। याद रखना अपने सपने, याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे, ना ही लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे। बिल्कुल सही बात है जो कि आप बोली है। अक्सर ये जो चीजें होती ना कि ना तो आपको हालात अपने हिसाब से मिलते हैं, ना आपको लोग अपने हिसाब से मिलते हैं, तो प्रॉब्लम पता है कब होती है, तब आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती। आप अपनी जर्नी पे चल पड़ते हो और चलते चलते ही आपको बीच में जो है ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपको बिल्कुल फेवर नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, गलत बोलेंगे, बिल्कुल डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, बुरा लगता है। उसके बाद में हालात की बात होती है, तब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो तो हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, तो हालात बुरे होंगे तभी भी आप जो है मुंह नीचे करके बैठ जाओगे। तो ये दो कंडीशन ऐसी होती है जो कि आपको हमेशा देखनी ही पड़ती है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आने से पहले ही आप ये बात समझ लेते हो कि ऐसी कंडीशन तो आएगी और मुझे उनका सलूशन निकालना है, या फिर मुझे इन चीजों को अवॉइड करके आगे बढ़ना है, तो ये चीजें जो है वो इतनी हैम्पर नहीं करती है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको 20 साल की उम्र में किसी ने बता दिया कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, देखो उसमें ऑब्स्टिकल आएंगे, आपके हिसाब से लोग नहीं मिलेंगे, आपके हिसाब से काम नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, तो बच्चा मेंटली जो है कहने के प्रिपेयर है, आने दो प्रॉब्लम को, कोई बात नहीं है ना, वी विल रिजॉल्व इट। और एक बच्चे के 25 साल की उम्र में जाके एकदम से प्रॉब्लम आती है तो फिर जाके प्रॉब्लम होती है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा वेल प्रिपेयर आकर, एक्सपेक्टेशन लोगों से कम रखा करो, अपने आप से अच्छी रखा करो, और जो काम करना है बढ़िया मेहनत करके करो यार। दिन रात खाना पीना सब क्या सेकेंडरी होना चाहिए, अपनी मेहनत जो है वो प्राइमरी होनी चाहिए ना। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, कल देखना एक वीडियो, कल दिन में एक वीडियो बनाया था, मॉर्निंग मोटिवेशन उसका नाम है ना, लेकिन देख लेना 5-6 मिनट का होगा, कल दिन में बनाया था मैंने 12 बजे के आसपास, है ना, वो वीडियो बहुत काम आएगा आपके। चलिए आगे बात करते हैं, जो कि चलते हैं द हिंदू के फ्रंट पेज पे। सबसे पहले संडे के न्यूज़पेपर की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो बताया गया वो सुंदरबन को लेकर बताया गया है। यहाँ पे बताया गया कि जो यहां से अभी तूफान साइक्लोन आया था उससे काफी डैमेज है जो कि बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के राज्यों में तो हुआ है, लेकिन सुंदरबन के अंदर भी देखने को मिला है, समझ गए। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी बातें हैं जो कि यहाँ पे बताई गई। इकोलॉजिकली जो एरिया था उसको भी काफी डैमेज है, जो कि हाई टाइड की वजह से, साइक्लोन की वजह से रेगुलरली देखने को मिला। और ये कई सारे नए चैलेंजेस है जो कि हमारे सुंदरबन के जो लोग हैं, जो वहां के इनहेबिटेंट है, उनको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पॉलिसी जो मेकर्स थे वो इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे। देखो क्या होता है कि जो अपना डेल्टा वाला एरिया है ना, उसके रूट जो वहां पे प्लांट्स होती है, उनकी रूट इतनी डीप रूटेड होते हैं कि वो झेल लेते हैं साइक्लोन को, हो चाहे खारा पानी हो, कैसे भी कंडीशन हो, झेल लेते हैं उसको, है ना।
लेकिन इस बार जो है हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे और नियर बाय टोटल मिला के 5 मिलियन लोग है ओके, जिन्होंने 4 ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि यहाँ पे देखे और उनकी वजह से काफी नुकसान है जो कि हुआ। आपको मालूम है 2019 के अंदर दोस्तों फानी भी आया था, सभी को याद है। उसके बाद नवंबर के अंदर बुलबुल आया था, उसके बाद में अम्फान आया और उसके बाद में जो है वो यास भी आया। तो ये देखिए डायरेक्टली मतलब 4-4 मतलब साइक्लोन झेलना कितनी बड़ी बात होती है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए मतलब, और बहुत सारे स्ट्रांग है हमारे लोग उड़ीसा के, हमारे कोस्टल एरिया के जो लोग हैं वो बहुत स्ट्रांग है मतलब, इसी वजह से मतलब इतना कुछ देखते रहते हैं वो, इवन जो अपना काम करते हैं अपने लाइफ को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। तो वो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ममता दीदी और सेंटर के बीच में जो टसल चल रही है वो दिखाई गई है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्टडी कर रही है COVID-19 के एसेंशियल्स को रिलीफ को लेकर, यहाँ पे दोस्तों लोगों की लाइन बताई गई है खाने के पैकेट को लेकर। दिल्ली के अंदर 1000 केसेस हैं जो कि देखने को मिले, जो पिछले 2 महीने से सबसे लोवेस्ट है वो बताया गया है। चिदम्बरम जी ने कैग को ऑडिट करने के लिए बोला है वैक्सीन के प्रोडक्शन को, ठीक है। यहाँ पे दुनिया के केसेस बताए गए जो कि 1.5 लाख के आसपास है 24 घंटे में। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है पेज नंबर 5 है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे IIT हैदराबाद को लेकर। तो IIT हैदराबाद ने दोस्तों डेवलप किया है ओरल सॉल्यूशन फॉर द ब्लैक फंगस। आपको मालूम है ब्लैक फंगस की वजह से काफी मृत्यु हो गई है, काफी प्रॉब्लम हुई है एकदम से ही कोविड के बाद में कई सारे केसेस देखने को मिले। तो इसीलिए दोस्तों रिसर्चर जो अपने IIT हैदराबाद के अंदर, उन्होंने एक मास प्रोडक्शन के लिए जो है वो बोला है, हालांकि उनकी तरफ से अप्रूवल हो चुका है, वो कंपनीज को देंगे इस फॉर्मूला को और मास प्रोडक्शन करने के लिए बोलेंगे। समझ गए मेरी बात, ठीक है ठीक है। तो ट्रीट ब्लैक फंगस प्रोवाइडिंग ह्यूज रिलीफ टू पेशेंट, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो कि बताया जा रहा है ब्लैक फंगस को लेकर, ठीक है गाइस। 2 साल की स्टडी है जो कि इसके ऊपर करी गई थी और टेक्नोलॉजी जो है अभी सुटेबल जो भी फार्मा कंपनीज होगी उनको दी जाएगी और लार्ज स्केल प्रोडक्शन है जो कि किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉस्टिंग है, 60 mg की जो टैबलेट है उसके 200 रुपए के आसपास की कॉस्टिंग है जो कि बताई गई है, समझ गए। एट प्रेजेंट के अंदर जो कालाजर की जो अपने टैबलेट्स होती है वो यूज करी जाती है ब्लैक फंगस के अंदर, या फिर कोई दूसरा, ये बहुत सारे ना येलो पता नहीं कितने सारे फंगस आ गए, तो ये सारे फंगस अगर इनको अगर कोई इनके ऊपर टैबलेट यूज करनी हो तो हम लोग कालाजर की जो टैबलेट है वो यूज करें। हमारे देश में यही अवेलेबल है अभी फिलहाल, है ना, इमरजेंसी और इमीडिएट ट्रायल के लिए भी जो है इस ओरल ड्रग को यूज करने के लिए अभी बोला जा रहा है, ठीक है गाइस। तो ये बात आपको ध्यान रखिए, काफी अच्छा काम है जो कि यहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि आप देख सकते हैं ब्लैक फंगस को म्यूकोरमाइकोसिस जिसको अपन कहते हैं, एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है उन लोगों को जिनके इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक होता है बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइड, या फिर जिनके कोई डायबिटीज है, या फिर कोई ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है ना, ICU में बहुत टाइम से रह रहे हैं ओके, पोस्ट कोविड के कॉम्प्लिकेशन में इम्यूनिटी वाले एरिया में रह रहे हैं, तो वहां पे दोस्तों ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है गाइस। चलिए ब्लॉकेज हो जाता है नोज का, नेजल डिस्चार्ज होता है, पेन आपको चिक बोन में देखने को मिलेगा ओके, फेस के अंदर पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग हो गया, आसपास आंख का एरिया जो है वो कलर हो जाना, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स है जो कि इसके अंदर बताया जाता है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले तो आपको अपने डायबिटीज को कंट्रोल करना जरूरी है और ये बेसिक बात है, ये हर डिजीज के अंदर काम आने वाली बात है। आपको हाइजीन मेंटेन करनी है, एंटीबॉडीज यूज करनी है, स्टोरेज जो है बहुत समझदारी से काम में लेना है, समझ गए मेरी बात, ठीक है। और ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए। देखो एक बात आपको अभी से बताया था कि अगर आप लोग शुगर बहुत ज्यादा लेते हो ना तो हमेशा उसको कम कर दो ना, आज के टाइम पे देखो आप जो चीनी घर में लाते हैं ना अपन, जो ये एक तरीके से ये कोकेन है एक तरीके से, समझ गए मेरी बात। बस ये कि कोकेन बैंड है और शुगर जो है वो देश में बैंड नहीं है। कभी अगर आप शुगर का प्रोडक्शन देख लोगे तो आपको वॉमिट आ जाएगी, इतनी ज्यादा खराब होती है शुगर, जो आपके रॉ शुगर आती है ना, जो आप चीनी में चाहे दूध में डालते हो, चाय में डालते हो, है ना, बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। यस डेफिनेटली आप स्टूडेंट हो तो चाय पीना जरूरी है, लेकिन उसमें आधी कर दो। अगर मान लो आप एक कप के अंदर एक स्पून डालते हो तो उसको 50% कर दो, आधी स्पून डालो, 2-4 दिन पियोगे तो कम शुगर वाली की भी आपको आदत हो जाएगी बॉडी को, तो दिक्कत नहीं आएगी, समझ गए। तो जितना हो सके ना शुगर मत लिया करो, मतलब उसके जगह हनी यूज कर लिया करो, बराबर ही कॉस्टिंग पड़ती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए बहुत डेंजरस होती है शुगर हमेशा। आगे बात करते हैं पेज नंबर 7 दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो कि प्रधानमंत्री का नया इनिशिएटिव है इसके बारे में, ठीक है। ये वाले न्यूज है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने दोस्तों सैटरडे को अनाउंस किया स्पेशल PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम, उन लोगों के लिए जो की COVID-19 में ऑर्फन हो गए हैं बच्चे, उनके लिए दोस्तों 10 लाख रुपए का एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि एक तरीके से FDA है,
है ना, एक कॉर्पस है जो कि यहाँ पे बनाया गया है, जब वो 18 साल के हो जाएंगे तब उनको ये पैसा है जो कि मिल जाएगा, समझ गए। तो ये प्रधानमंत्री के अंडर में एक पूरी कमेटी थी, उन्होंने एक मीटिंग है जो कि यहाँ पे ली, और ऐसे पेरेंट जिनके दोनों पेरेंट चले गए या लो सर्वाइविंग पेरेंट्स या कोई लीगल गार्जियन ही बचे है ना उनको संभालने वाले, तो उनको ये जो सपोर्ट है जो कि अवेलेबल करवाया जाएगा। स्कीम किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है। टोटल बजट कितना है? अभी टोटल बजट तो क्या इसमें बताया नहीं गया, अभी तक ऐसा बोला गया है कि देश में से 577 बच्चे, नंबर खैर ओरिजिनल नंबर से बहुत कम है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा तो 577 ऐसे बच्चे हैं जो कि रिकॉग्नाइज करे गए, जो कि ऑर्फन हो गए कोविड-19 के अंदर, है ना। तो 18 साल होते ही मंथली स्टाइपेंड भी इनको मिलेगा और 10 लाख रुपए जो है एक्सपेंसेस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जो कि अवेलेबल करवाए जाएंगे, ठीक है गाइस। और 23 साल के होने के ऊपर ये जो 10 लाख रुपीज है वो उनको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है, ऐसा सरकार के द्वारा बोला गया है। इसके अंदर और भी कुछ चीजें इंक्लूड करी गई है, जैसे कि उन बच्चों को केंद्रीय विद्यालय के अंदर या प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन करवा सकते हैं, ओके, गवर्नमेंट उनके खर्चा उठाएगी, ये बहुत अच्छी बात है, ओके। 11 से 18 साल के बच्चे सैनिक स्कूल में या नवोदय विद्यालय में पढ़ सकते हैं, ये सारे स्कूल बहुत अच्छे स्कूल है वैसे, आपको मालूम नहीं होगा, अगर आपके घर के अंदर कोई बच्चा है तो कोशिश करा करो कभी केंद्रीय विद्यालय में या सैनिक या नवोदय विद्यालय इनके अंदर एडमिशन करवा सके, बहुत अच्छे स्कूल होते हैं, फीस बहुत ही नॉमिनल होती है ना। ऐसे इस प्रकार के स्कूल हमारे देश में मतलब कम से कम 5,000 और होने चाहिए, 10,000 और होने चाहिए इस क्वालिटी के स्कूल। हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का दिया जा रहा है, 10 लाख रुपए का कॉर्पस फंड बनाया जा रहा है, मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 18 साल के बाद में, और 23 साल के अंदर पूरा पैसा जो कि मिल जाएगा। तो ये नई स्कीम है जो कि आपको ध्यान रखनी है, ठीक है गाइस, इसके अंदर से सवाल बनेगा, डेफिनेटली बनता है। आगे बात करते हैं जो कि दोस्तों अपने सूर्य किरण को लेकर है। अब आप बोलोगे सर ये सूर्य किरण क्या है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, सूर्य किरण के बारे में और निकिता कॉल, ओके, लेफ्टिनेंट निकिता कॉल दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए सूर्य किरण एक एक्रोबेटिक टीम है हमारी, एरोबेटिक, एक अपनी एरोबेटिक टीम है। देखो क्या है कि पूरी दुनिया में है ना जो आसमान के अंदर जो कर्तव्य आपने देखा होगा ना, एयरफोर्स डे होता है या फिर कभी भी ऐसे कोई दिवस होते हैं ना बड़े बड़े, तो उस टाइम पे है ना बहुत सारे हमारे फाइटर प्लेन्स हैं जो कि आसमान के अंदर जो है वो कारनामे दिखाते हैं, झंडा अपना ट्राई कलर बनाते हैं, कभी मूव करते हैं एकदम से नीचे आके वापस घूम जाते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है और बहुत ही स्पेशलाइज ट्रेनिंग है जो कि चाहिए होती है। पूरी दुनिया में ऐसी 9 ही टीम है दोस्तों जो कि इस तरीके के काम करती है, ओके, और उसके अंदर एक हमारी टीम है जिसको अपन बोलते हैं सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम, ये इंडियन एयरफोर्स की टीम है दोस्तों, और हमेशा देखिए देखिए ठीक है मल्टी कलर जो है वो धुआं है पीछे से निकालते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं, बहुत ही जबरदस्त रेड और व्हाइट कलर के हैं, तो 25 साल मतलब जो कि इनके फॉर्मेशन को हो चुके हैं, इसीलिए न्यूज जो कि यहाँ पे पब्लिश करी गई है, ओके गाइज। एशिया के अंदर एकमात्र टीम है ये, वैसे पूरे एशिया में एकमात्र टीम है जो कि करती है ऐसे डिस्प्ले, 600 से ज्यादा डिस्प्ले है जो कि अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस एशिया जो है इन्होंने करे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर भी इनको बुलाया जाता है, समझ गए मेरी बात। तो 75वां तो यहाँ पे ओके 75 के आसपास मतलब फॉर्मेशन है जो कि करते हैं, 17 एयरक्राफ्ट है जो कि इसके अंदर है, और 75वें जो अपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होगा तब भी आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे या फिर दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए और 1971 की जो बांग्लादेश लिबरेशन थी ना तब भी इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी अपनी, ओके। करंटली जो है इसके अंदर 13 के आसपास पायलट है और कैप्टन अनूप सिंह है जो कि इसको लीड करते हैं। इसका फॉर्मेशन दोस्तों 1996 के अंदर है जो कि किया गया था कर्नाटका के अंदर, ओके। और अगर इसमें 10 लोग अप्लाई करते हैं ना तो 10 में से एक ही आदमी जो कि सेलेक्ट हो पाता है, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के 10 पायलट ने इसके अंदर अप्लाई किया तो इसमें एक ही बंदा है जो कि इसमें सेलेक्ट हो पाएगा, तो बहुत ही रिग्रेस ट्रेनिंग प्रोसेस है इसके अंदर, समझ गए मेरी बात। वर्ल्ड के फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड डिस्प्ले जो कि 9 एयरक्राफ्ट का 4 हेलीकॉप्टर टीम का इतने सारे चीजों का जो है वो एक साथ करते हैं, है ना। श्रीलंका के अंदर 2001 के अंदर किया था, मतलब दुनिया ने मतलब ऐसा पहले कभी देखा नहीं था कि 9 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर जो है आपस में इंटीग्रेट करके काम कर रहे हैं, है ना। हेलीकॉप्टर की भी टीम है एक अपनी, उसको बोलते हैं अपन सारंग हेलीकॉप्टर की टीम है, उनके साथ में मिलकर जो है वो बहुत ही जबरदस्त डिस्प्ले जो कि अभी इन्होंने ये लोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि लेफ्टिनेंट निकिता कॉल को लेकर। आपको मालूम होगा गाइस कि कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि साउथ कश्मीर के पुलवारा के अंदर एक एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन हुआ था और वहां पे दोस्तों हमारे जो आर्मी ठीक है वहां पे हमारे एक ऑफिसर थे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है गाइस। तो उनकी जो वाइफ है निकिता कॉल,
इन्होंने दोस्तों अभी रिसेंटली जो है इंडियन आर्मी है जो कि ज्वाइन करी है, बहुत बड़ी बात होती है। और इनकी शादी को मात्र 27 मंथ है जो कि हुए थे, है ना। तो हमेशा गाइस ध्यान रखिएगा, जवान और किसान इन दो लोगों की देश में हमेशा रेस्पेक्ट करना, चाहे आपको आपके पड़ोस में रहते हो चाहे आपके एरिया में रहते हो, हमेशा इन अगर कोई भी ऐसी बात हो जब इनको जरूरत हो आपकी तो हमेशा हेल्प करने की, जो भी आपकी पॉसिबल वे हो, जो भी आप छोटी मोटी हेल्प कर सकते हो वो हेल्प हमेशा जरूर करेगा। मतलब कोई जितना भी एहसान हम मानना चाहें या जितना भी हम देना चाहें वो सब बहुत कम है ना। आप समझ सकते हो मतलब कि किस लेवल पे इन्होंने लाइफ देखी होगी कि अपने हस्बैंड को 27 मंथ पहले ही शादी हुई है, वो हस्बैंड जो है वो अपने इनके शहीद हो गए, उसके बाद में खुद जो है वो आर्मी के अंदर इंक्लूड हुई है और अभी लेफ्टिनेंट है जो कि बनी है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बात करते हैं, एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो कि आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं फोर्सेस में, उनके लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं और इंडियन एक्सप्रेस को लेकर, तो सबसे पहले तो यहाँ पे फ्री एजुकेशन और इन सभी के बारे में बात करी गई है, ऑर्फन बच्चों के बारे में। यहाँ पे दोस्तों लॉकडाउन को लेकर बताया गया है, यहाँ पे दिल्ली को लेकर है, बंगाल के आपस की लड़ाई है, महाराजा ऑफ कच्छ जो है इनको भी जो है अभी रिसेंटली COVID-19 हो गया था वो यहाँ पे बताया गया। तो इस वाले पेज में तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं आज के दैनिक के ऊपर, ठीक है गाइस। आज के दैनिक की बात करें तो नंबर ऑफ केसेस जो है वो 1.5 लाख से कम हो गए हैं वो यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो जो केसेस है ना उनके अंदर तो डिप देखने को मिला है, लेकिन जो डेथ है ना ये इसके अंदर बहुत ज्यादा डिप देखने को नहीं मिला, क्योंकि अभी भी जो रजिस्टर हुई है डेथ वो 3800 हुई है, रजिस्टर जो हुई है वैसे 4500 मैक्सिमम थी, है ना। CPIM की जो लीडर है शिवा रमन जी, उनकी मृत्यु हो गई यहाँ पे बताया गया है 81 की उम्र के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों मेहुल चौकसी को लेकर बताया गया है कि मेहुल चौकसी आपको हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इंडिया के अंदर है जो कि देखने को मिल जाए, समझ गए मेरी बात, ठीक है। ये भी एक तरीके से चीता हो रखा था, जैसे कि देश में चीता नहीं दिखता वैसे ही ये भी नहीं दिख रहा था, ठीक है। हो सकता है चीता को भी हम लोग ला रहे हैं वापस इंडिया में, रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसको भी इंडिया में वापस से रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाए जेल के अंदर, ओके। चलिए तो इसके अलावा स्टालिन का स्टेटमेंट है यहाँ पे, सेंट्रल विस्ता का जो वर्क है विस्ता का, आपको मालूम है दोस्तों पूरा का पूरा दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है वो वापस से मोदी जी का घर, पार्लियामेंट है ना, कई सारे गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज वो सारे के सारे नए बनाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर वर्डिक्ट है जो कि आज आने वाला है, ठीक है। दो लोगों को पकड़ा गया यूपी में, डेड बॉडी को जो है रिवर में फेंक रहे थे। चलिए आगे बात करते हैं मेहुल चौकसी को लेकर। तो रिसेंटली दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा देखो कोई स्टेटमेंट नहीं आया, बिल्कुल जो है शांति बनी हुई है अभी, ओके। हो सकता है कि सरप्राइज दे मोदी जी यहाँ पे एकदम से कि ये देखिए सरप्राइज, ये मेहुल चौकसी को जो है एकदम से उठा के लिया है, तो उसी तरीके से हो सकता है कि गवर्नमेंट अभी पूरी तरीके से साइलेंस है मेहुल चौकसी के डिपोर्टेशन को लेकर कैरेबियन आइलैंड से। लेकिन जो एंटीगुआ और बारबुडा का जो प्रधानमंत्री है उन्होंने रिसेंटली बोला है कि इंडिया का जो जेट है ना, ओके, इंडिया का जो जेट है वो कहां पर डोमिनिका के एयरपोर्ट के ऊपर अवेलेबल है और वहां पे डॉक्यूमेंटेशन है जो कि करवाया जा रहा है और उसके बाद में इसकी कस्टडी है जो कि इंडिया को दे दी जाएगी। अब हालांकि खैर वहां के प्रधानमंत्री को कोई झूठ बोलने से फायदा तो मिलेगा नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दोस्तों ये सच्चाई है कि कोई ना कोई जेट तो यहां से गया है और ये वापस आने को हमें मिल सकता है। भाई साहब ने जो है वो कोई 2-4 करोड़ का घोटाला नहीं किया था, नियर बाय कोई 13,500 करोड़ का दोस्तों घोटाला है जो कि चूना लगाया था और इसमें मेजरली जो पैसा था वो था पीएनबी का। पीएनबी की हालत वैसे इतनी खराब है, उसके ऊपर ऐसे क्लाइंट और कस्टमर उनको मिल जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है और बैंक की हालत खराब से और ज्यादा खराब है जो कि हो जाती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे डोमिनिका की कैपिटल है, रूसो नाम से कैपिटल है, वहां पे बोला जा रहा है कि कतर एयरवेज का एक प्राइवेट जेट है जो कि पार्क किया गया है ना, और वो इंडिया के अंदर ही वापस जाने वाला है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला आदमी है जिसने इस तरीके से किया है ना। ऐसे फिगरेटिव बिजनेसमैन जो होते हैं बहुत सारे उनको हम लोग पकड़ते हैं फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के द्वारा, इनको अपन लोग कौन सा ऑफेंडर बोलते हैं, FEO ऑफेंडर है जो कि हम इनको कहते हैं। फिगरेटिव मतलब भगोड़ा होता है, इकोनॉमिक मतलब पैसा लेके भागना और ऑफेंडर मतलब जिसने गलत काम किया है। तो फिगरेटिव ऑफेंडर, इकोनॉमिक ऑफेंडर एक लीगल टर्म है जो कि इंडिया में यूज करी जाती है, ये उनके खिलाफ होती है जब हम लोग अरेस्ट या वारंट, अरेस्ट वारंट जारी करते हैं, ठीक है, जो किसी भी तरीके से इकोनॉमिक ऑफेंस है जो कि करता है। हमारे यहाँ पे एक्ट भी बना हुआ है फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ठीक है गाइस। ये ऐसे लोगों के लिए यूज होता है जो इंडिया छोड़ चुके होते हैं या फिर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को अवॉइड करने के लिए देश से चले जाते हैं और वापस इंडिया में आने का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि इंडिया में आते ही उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजिंग है जो कि स्टार्ट, प्रोसीजर है जो कि स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए। आपको यहाँ पे बहुत ही लंबी लिस्ट है जो कि मिल रही होगी, यहाँ पे बहुत सारे नाम है, देख लेना कोई आपके आस पड़ोस वाले का भी कोई नाम नहीं आ जाए, ठीक है।
बहुत लंबी लिस्ट है इसके अंदर, नीरव मोदी भी है, दो चार इंडिया अपने, देखो क्या है कि जो मुद्दे में है ना वो तो दो चार लोग ही है, लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं दोस्तों तो अभी टोटल मिला के 72 लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि देश से पिछले 5 साल से तड़ीपार हुए हैं, और इनमें से पता है पकड़े कितने सारे गए, बहुत सारे पकड़े गए और बहुत सालों को जेल हुई है, जिसका नंबर है दोस्तों 2, सिर्फ 2 ही आदमी है जो कि अभी तक पकड़े गए, ठीक है, तो 72 में से 2 लोग हैं जिनको हम लोग वापस आज तक लेके आ पाए, और ये मेजरली आपको 2018, 19 और 20 के अंदर ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे के सारे लंबी लिस्ट है, विजय माल्या जो है किंगफिशर एयरलाइंस 7,500 करोड़ यूके के अंदर है अभी, अभी तक इनका एक्सट्रैडिक्शन नहीं हुआ है, प्रोसेस के अंदर है। मेहुल चौकसी, ओके गाइस, गीतांजलि ग्रुप के 7,000 लिखा है, लेकिन ये टोटल नंबर 15,000 है, पीएनबी का भी पैसा छोड़ो उसमें, इंटीगुआ के अंदर है भाई है। जतिन मेहता नियर बाय 6,500 करोड़, ओके, विंसम डायमंड ये भी देखिए, नीरव मोदी डायमंड वाला ये भी यूके के अंदर है भाई, और स्टर्लिंग बायोटेक, श्री गणेश ज्वेलर, मोदी एंटरप्राइजेस, ललित मोदी जी ये भी पार है, आईपीएल करवाने के बाद से आज तक नजर ही नहीं आए, ये भी यूके के अंदर है, ओके, सूर्य फार्मास्यूटिकल, एबीसी और ऐसे एंड सो ऑन, मतलब बहुत सारी लंबी लिस्ट है, और आज तक ये देखिए लंबी लिस्ट में 2 ही नाम है जो कि आपको देखने को मिलेंगे, एक इंडोनेशिया के अंदर थे विजय मित्तल, और एक सन्नी कालरा थे जो कि ओमान के अंदर थे, इन दोनों को जो है हम लोग वापस लेके आने के अंदर सक्सेसफुल हुए, इनका अमाउंट भी बड़ा कम था, सन्नी कालरा तो 10 करोड़ में लेके भाग गया, और विनय मित्तल जो है वो 40 करोड़ के आसपास है जो कि लेके गया था, तो बहुत ही छोटा अमाउंट था तो इसलिए सस्ते में वापस आ गए, बाकी बड़े अमाउंट वाला कोई वापस नहीं आया मतलब, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखिए सेंटर ने ही बोला था कि 72 लोग है जो कि भागे हुए हैं, और हम लोग सिर्फ 2 लोगों को जो है पिछले 6 साल के अंदर वापस लेके आ पाए हैं, ऐसा आरटीआई के अंदर दोस्तों बताया गया 2019 के अंदर, किसी ने आरटीआई लगाई थी तो ये जानकारी है जो कि मिली है, ठीक है गाइस। यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस शुक्ला जी है, उन्होंने इन्फॉर्म किया था लोकसभा के अंदर कि 72 इंडियन के ऊपर जो है ये चार्जेस लगे हुए हैं फ्रॉड के, फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज के, जो कि अब्रॉड चले गए हैं, ठीक है, चलिए। और वापस लेके क्यों नहीं आ पाते ये भी बता होना जरूरी है, देखो वापस लेके नहीं आने के 2-3 कारण है मेजर। पहली बात तो देखिए जो बायलेटरल जो अब आपकी ट्रीटीज होती है, और जब दूसरे देशों के साथ में आपके अच्छे रिलेशन होते हैं तो पहली बात तो आप जबरदस्ती नहीं कर पाते, दूसरी बात यह है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी बहुत लॉन्ग होता है, लेकिन कितना ही लॉन्ग हो अगर गवर्नमेंट चाहे वापस लेके आना है तो मान सकते हैं कि आपके एक फाइलिंग को 1 महीने के बजाय 6 महीने या 6 महीने के बजाय 1 साल है जो कि लग गया हो, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसको सालों लग जाए पेपर वर्क के अंदर, है ना। अरे हमारे सरकारी ऑफिस से खतरनाक कोई फाइलिंग पेपर होते हैं क्या, तब भी हम लोग सरकारी काम करवा लेते हैं ना, समझ गए। मुसद्दीलाल अपने यहाँ पे बहुत सारे, हर आदमी यहाँ पे मुसद्दीलाल ही है, और शुक्ला जी भी यहाँ पे हर एक ऑफिस सरकारी ऑफिस में आपको देखने को मिलेंगे। तो लेकिन अब इसमें मेजर मैंने आपको बताया ना, पहली बात तो ट्रीटीज, दूसरी बात हो गया लॉन्ग प्रोसेस, तीसरी बात हो गया गवर्नमेंट का मोटिव, है ना। गवर्नमेंट इतनी ज्यादा सीरियस नहीं होती है इतने ज्यादा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा पॉलिटिशियन लोग मिले हुए होते हैं बिजनेसमैन को भगाने में, उनको पैसे खिलाने में, तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन। अगर वो बंदा आ गया तो यहाँ पे आके अगर किसी ने कुछ उसने गलत बोल दिया तो सरकारें हिल जाती है यहाँ पे, समझ गए। तो ये कारण है कि बोल रहे हैं भाई तू वही रहे, वही बढ़िया है, इधर आने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पेट्रोल के बारे में बताया गया, आपको मालूम है दोस्तों महंगाई बढ़ रही है, मेजर कारण होता है जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हर चीज के पैसे बढ़ जाते हैं, चाहे फिर आपका ऑटो वाला हो, चाहे आपका बस वाला हो, चाहे फिर आपकी खुद की गाड़ी हो, समझ गए। तो वही यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि हाई बर्डन एट द पंप, ओके, यहाँ पे पूरा डाटा एनालिसिस किया गया कि मुंबई हो गया, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, सब जगह पे दोस्तों नियर बाय 100 के आसपास पेट्रोल पहुंच चुका है, मुंबई के अंदर 100 है, राजस्थान में तो हर एक जिले के अंदर 100 पहुंच चुका है। इसमें बताया गया कि टैक्स जो है इसके अंदर दिल्ली का एग्जाम्पल लिया गया है, ओके, 2014 और 2021 में बताया गया, 2014 में बेस प्राइस 47 रुपए थी और टोटल प्राइस जो थी पेट्रोल की वो 71 थी, आज मई 2021 के बारे में बात करें, मई 16 अभी कुछ दिन पहले की बात करें, तो यहाँ पे जो बेस प्राइस है पेट्रोल की वो कम है, वो 34 रुपए ही है, लेकिन जो पेट्रोल की प्राइस है वो दिल्ली के अंदर 93 के आसपास है। तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों 36% तो सेंट्रल के द्वारा टैक्स लिया जा रहा है, 23% स्टेट के द्वारा और 4% डीलर कमीशन है जो कि बताया गया है, समझ गए। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टैक्स इंक्रीज किया है वो किया है 216%, इतना प्रतिशत इंक्रीज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स कर दिया है। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात करें तो 59 रुपए, ठीक है,
यहाँ पे 59 रुपए के आसपास है, जो कि दिल्ली में पेट्रोल पड़ रहा था 2014 के अंदर, यहाँ पे 2019 का यहाँ पे बताया गया। हाँ ठीक है, जब आपके क्रूड की जो प्राइसेस थी ना, 2019 का है, 2019 के टाइम पे भी क्रूड की जो प्राइसेस थी वो 59 रुपए के आसपास थी, 59 रुपए टोटल पड़ रहा था बेस प्राइस। ओके, और अभी जो है वो 57 के आसपास है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्रूड प्राइस जो है वो नीचे चला गया है, देखिए बहुत ही नीचे गया क्रूड प्राइस, लेकिन जो आपकी पेट्रोल की प्राइसेस है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। ये यहाँ पे बताया गया कि कई बार पेट्रोल के जो क्रूड प्राइसेस है ऑयल के वो कई बार कम हुए हैं, इनफैक्ट 2014 में जो थे उससे भी कम हुए, लेकिन पेट्रोल के प्राइसेस कभी भी कम नहीं हुए। यहाँ पे हमारे नेबरिंग कंट्रीज में हम लोग कितना टैक्स दे रहे हैं और हम लोग कितना दे रहे हैं वो यहाँ पे बताया गया है, समझिए मेरी बात। तो सबसे ज्यादा टैक्सेस हमारे आसपास के जितने भी कंट्रीज है उनमें हम ही है जो कि दे रहे हैं, वो यहाँ पे बताया गया है, समझिए मेरी बात। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है पेज नंबर 11। यहाँ पे एक तो चाइना ने दोस्तों वापस अपने स्पेस स्टेशन को पूरा करने के लिए और कई सारी चीजें डॉक और ये सब भेजे, यहाँ पे दो मैन मिशन भी दोस्तों वो प्लान कर रहा है इस साल भेजने को लेकर, वो यहाँ पे बताया गया। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये वाले न्यूज इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जॉनसन जो है उन्होंने अपनी फियांसे से शादी है जो कि कर ली है, बहुत ही सीक्रेट मीटिंग, सीक्रेट मतलब बहुत ही कम लोगों में करी गई है क्योंकि कोविड की प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जो कि हम लोग बात करेंगे श्रीलंका और सिंगापुर को लेकर। श्रीलंका दोस्तों तैयारी कर ली है, श्रीलंका ने सिंगापुर पे केस करने को लेकर, क्यों केस क्यों करना चाह रहे ठीक है केस क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका की अथॉरिटीज ने बोला है कि सिंगापुर की एक रजिस्टर्ड कार्गो कैरियर था, ओके, और जो कि 11 दिनों तक जलता रहा आइलैंड के वेस्ट कोस्ट के ऊपर, और उसके वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है जो कि देखने को मिला है, समझ गए, यानी कि देश किसी और का कार्गो किसी और का, पॉल्यूशन उस देश में हो रहा है और वहां पे 11 दिनों तक ही जलती रही, लेकिन सिंगापुर ने उसके ऊपर कोई ज्यादा काम नहीं किया। तो पुलिस दोस्तों यहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल रही है, यहाँ पे MV एक्सप्रेस पोल करके दोस्तों एक ठीक है ये शिप है जो कि 25 टन जो है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड और प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है जो कि लेके जा रहा था, और 11 दिन से ये जल रहा है वहां पे इंडियन ओशन के अंदर, और ये इंडियन ओशन में श्रीलंका की वेस्ट कोस्ट के बहुत पास में है, तो इसलिए दोस्तों बोला जा रहा है कि इतने सारे प्लास्टिक जलने की वजह से यहाँ पे बीचेस को नुकसान हो रहा है, साथ में इकोलॉजिकल डिवास्टेशन है जो कि यहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए दोस्तों श्रीलंकन अथॉरिटीज इनके खिलाफ केस करने की जो है बात कर रही है, समझ गया मेरी बात। अब क्या इसके ऊपर लेकर जो कोई ना कोई ऐसी ट्रीटी है जिसके ऊपर श्रीलंका जा सकता है सिंगापुर को सू करने को लेकर, देखिए पहली बात तो श्रीलंका ने बोला कि हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेंगे, यानी कि वो तो खैर अरेस्ट करने को ही बात करें, लेकिन इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली इंटरनेशनल ट्रीटी भी है जिसका नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, इसको मारपोल है जो कि कहते हैं मारपोल, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसके अंदर दोस्तों पॉल्यूशन जो है मरीन एनवायरमेंट में शिप के द्वारा रोकने को लेकर काम है जो कि किया जाता है। 1973 के अंदर इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल के द्वारा दोस्तों इसको अडॉप्ट है जो कि किया गया था, 78 में दोस्तों इसको अडॉप्ट किया गया जब एक टैंकर एक्सीडेंट है जो कि 76 में देखने को मिले थे। ठीक है गाइस, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे तो आप देख सकते हैं मेजरली सारे कंट्रीज ने ही जो है इसको साइन किया हुआ है, ये सेंटर वाले करके बैठे हुए नहीं है अफ्रीका के देश, क्योंकि यहाँ पे कोई कोस्टल एरिया नहीं है, है ना, लेकिन खैर ये तो खैर बहुत ही पीछे है तो इसलिए नहीं कर पा रहे, बाकी आप देख सकते हो मेजरली सभी ने इसको रेक्टिफाई है जो कि कर रखा है, 1983 से इफेक्टिव है जो कि हो चुका है, समझ गए। आगे बात करते हैं जो कि चलते हैं पेज नंबर 13, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों किसको लेकर, फुटबॉल को लेकर जो कि है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। ठीक है, चैंपियंस लीग बोलते हैं फुटबॉल में, चलिए तो यहाँ पे आप देखोगे तो अभी चेल्सी ने दोस्तों चैंपियंस लीग है जो कि सेकंड टाइम है जो कि यहाँ पे जीत लिए, मैनचेस्टर सिटी को दोस्तों इन्होंने हराया है। अब चैंपियंस लीग की बात करें, जैसे कि आपको मालूम है क्रिकेट में भी कुछ टाइम पहले चैंपियंस लीग स्टार्ट हुई थी कि कई सारे जैसे कि इंडिया के आईपीएल की टीम आ गई, ऑस्ट्रेलिया के वहां के जो T20 की जो लीग है उनकी दो टीम आ गई, कैरेबिया की आ गई, यूके की आ गई, समझ गया, ऐसे कई सारे देशों की जो है वो क्या खेलती है, जो बेस्ट लीग जो आपके क्या बोलते हैं जो क्लब्स होते हैं वो आपस में आके मैच खेलते हैं। एक तो होता है बॉम्बे दिल्ली से खेल रहा है, दिल्ली बैंगलोर से खेल रहा है, एक तो हमारा ऐसा होता है, एक है कि मान लो यॉर्कशायर है, यॉर्कशायर जो है वो बॉम्बे से खेल रही है इस तरीके से, तो ऐसा होता है ना। तो फुटबॉल में भी ऐसा होता है कि चैंपियंस लीग होती है यूरोप की जो आपके कंट्रीज की जो क्लब्स हैं वो आपस में भिड़ते हैं और बेस्ट यूरोप का क्लब कौन सा हुआ वो डिसाइड करता है।
तो 1955 में इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी यूरोप के खेला जाता है यूरोप की ही टीम से जो कि आपस में खेलती है क्लब्स की टीम 32 स्टेज ग्रुप होती है 79 टोटल है और चेल्सी दोस्तों यहां पे अभी करंट चैंपियन है मैंने आपको बताया रियल मैड्रिड जो स्पेन का क्लब है दोस्तों वो 13 बार जो कि इस टूर्नामेंट को जीत चुका है समझ गए मेरी बात चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट चलते हैं जो कि है एशियन बॉक्सिंग को लेकर अभी आपको मालूम है दोस्तों दुबई के अंदर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ और वहां पे 3-4 गोल्ड मेडल है जो कि हम जीतने वाले थे लेकिन फाइनल के अंदर हमारी मैरी कॉम और साथ में यहाँ पे लेबोस टेनी ये दो प्लेयर थी दोस्तों जो कि सिल्वर मेडल इनको मिला है जबरदस्त परफॉर्मेंस थी और अनुपमा को भी सिल्वर मिला है लेकिन यहाँ पे पूजा रानी ने दोस्तों गोल्ड मेडल है जो कि यहाँ पे जीत लिया है पूजा रानी बोहरा इन्होंने सेकेंड कॉन्टिनेंटल टाइटल है जो कि जीता है और एक खुशी जो है मिली है क्योंकि 4-4 प्लेयर थे फाइनल के अंदर और चलो ठीक है 3 सिल्वर और 1 गोल्ड है जो कि मिला है तो एक्चुअली के अंदर ओलंपिक से पहले की प्रिपरेशन है जो कि इसको देखा जा रहा है समझ गए ठीक है जो एमसी अपनी मैरी कॉम है वो नैजम करके किर्गिस्तान की कजाकिस्तान की एक प्लेयर है उनसे 3-2 से आ रही है और वैसे हमारी दूसरे प्लेयर भी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट है जो कि इंडियन एक्सप्रेस को लेकर है यहाँ पे चौकसी को लेकर है और ठीक है यहाँ पे मोदी जी के 7 साल की जो सरकार है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे वैक्सीन को लेकर है कुछ ज्यादा इस फ्रंट पेज पे इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट यहाँ पे दोस्तों लॉकडाउन को लेकर भी बताया गया है कि कौन कौन से राज्य में 1 जून से लॉकडाउन जो है वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है मेजरली स्टेट अभी भी लॉकडाउन में ही है रेड कलर वाले सारे लॉकडाउन है अभी 10 जून 15 जून के आसपास लॉकडाउन है ना कुछ राज्यों के अंदर थोड़ा सा रियायत है जो कि अभी दी जा रही है पार्शियल लॉकडाउन रिलैक्सेशन किया जा रहा है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों जो कि है रेगुलेटिंग एप्स को लेकर आपको मालूम है ऑलरेडी जो है आपके जो भी एप्लीकेशंस हैं और साथ में गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में लड़ाई तो चल ही रही है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और रूल है जो कि आने वाला है अगर देखिए अभी क्या होता है कि व्हाट्सएप जो है ना उस पर आप ना तो मैसेज कोई देख पाता है क्योंकि एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन होता है ना कोई कॉल है जो कि उसको ट्रेस कर पाता है रिकॉर्ड कर पाता है तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि चलो ठीक है आप मैसेज वैसेज करते रहो हमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन जो कॉल है ना उसको हम इंटरसेप्ट है जो कि कर सकते हैं ये राइट है जो कि हमें होना चाहिए ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है कुछ रेगुलेशन लेके आ रही है जिससे व्हाट्सएप स्काइप फेस टाइम वेबर वाइबर ये सब जो कंपनीज है ना जिसपे आप फोन पे बात कर सकते हो तो इसके अंदर जो आपके कॉल्स है उनको दोस्तों रेगुलेट करने के लिए बोला जा रहा है समझ गए मेरी बात मैसेजेस के लिए तो चलो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन कॉल्स को लेकर यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंपनी जो है पहले गवर्नमेंट से जो भी एक पहले लाइसेंस लेगी इसको लेकर और लोकली इंटरनेशनल कॉल कोई भी कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो सरकार को जरूरत पड़ने पे मिलनी चाहिए समझ गए मेरी बात तो यहाँ पे कॉलिंग और मैसेजिंग सर्विसेज को सेग्रीगेट करने की जरूरत है ऐसा दोस्तों यहाँ पे बोला गया है 2015 के अंदर एक पैनल बनाया गया था ओके उसके अंदर रिकमेंड किया गया था कि जो ऐप की जो कॉलिंग है उसको रेगुलेशन में लाया जाए ठीक है गाइस ताकि लीगल इंटरसेप्शन ऑफ कॉल है सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा उसको किया जा सके एक एनुअल फी है जो कि भी इन कंपनी को सरकार को देने पड़ेगी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं जो कि यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट के इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर बताया गया है ये बोला गया है कि अभी राइट नाउ जो है जरूरत है देश के अंदर मोर स्पेंडिंग की सरकार को जितना खर्चा करने की खर्चा जो है पैसा जो है वो मार्केट में लेके आने की बहुत जरूरत है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाए ऑयल इंडस्ट्री के अंदर एमएसएमई के अंदर ताकि लोगों को नौकरियां मिले और वापस से मार्केट है जो कि वापस से जो है वो आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे इकोनॉमिकल कंडीशन जो कि बताई गई है कि जीडीपी की अगर बात करोगे तो आप देख सकते हो 2017 के बाद से दोस्तों डाउनफॉल है जीडीपी का ओके ग्रॉस वैल्यू एडिशन का भी डाउनफॉल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2020 से इन्वेस्टमेंट डाउन प्राइवेट कंजप्शन भी दोस्तों 2017 के बाद से डाउन जा रहा है एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट 17 के बाद में डाउन एम्प्लॉयमेंट तो खैर बहुत ही बुरा हाल है टैक्स टू जीडीपी भी 17 के बाद खत्म कहानी क्रेडिट ग्रोथ भी दोस्तों चेंज देखने को मिलेगा तो कुल मिला के 2017 के बाद से दोस्तों 2021 तक जो है ना वो हालात बहुत खराब हो रहे हैं हर चीज में डाउनफॉल आ रहा है तो इसको कैसे इंप्रूव किया जाए उसको लेकर ये आर्टिकल है जो कि यहाँ पे पब्लिश किया गया है जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट को जो अपनी स्पेंडिंग है ओके उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि ग्राउंड के ऊपर जो है वो पैसा दिखे लोग काम कर सके और वहां से इकोनॉमिकल एक्टिविटीज वापस से बढ़ सके ठीक है जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा लोग खर्च नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट का कंजप्शन नहीं होगा कंजप्शन नहीं होगा तो कंपनीज बना नहीं पाएगी तो नौकरियां उत्पन्न हो नहीं पाएगी तो हर चीज जो है वो कोरिलेटेड है वो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है आगे बात करते हैं जनसत्ता को लेकर यहाँ पे दोस्तों पहली लहर में जीत दूसरी में भी जीतेगा भारत ऐसा दोस्तों मोदी जी के द्वारा कहा गया है ठीक है ऐसा लग रहा है शायद दाढ़ी थोड़ी बहुत काट ली गई है मोदी जी के द्वारा काफी बढ़ रही थी मतलब सेंटा क्लॉज ये हुए थे एक बार तो
बनगांव के इलेक्शन पूरे हो गए तो टैगोर वाला फील थोड़ा सा मोदी जी ने शायद कम कर दिया हो सकता है। अभी गोवा के इलेक्शन है तो गोवा वाले रुक में आएंगे एकदम मोदी जी अगले साल है गोवा में इलेक्शन। चलिए ठीक है, यहाँ पे फ्रंट पेज की बात करें तो कुछ यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे दोस्तों एक ये गोल्डन वीजा को लेकर, अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा आपको मालूम है कि काफी ज्यादा न्यूज आ रही थी जो कि संजय दत्त को लेकर थी कि संजय दत्त को जो है वो गोल्डन वीजा मिला है। तो ये गोल्डन वीजा दोस्तों क्या है, क्यों मिलता है, किसके द्वारा दिया जाता है और अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बारे में बात करेंगे। रिसेंटली दोस्तों एक भारतीय छात्रा है ना तस्नीम असलम, उनको वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है, एकेडमिक्स रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है, तो उनको भी दोस्तों 10 साल का गोल्डन वीजा है जो कि इनको मिला है। किसके द्वारा दिया जाता है, यूएई के द्वारा दोस्तों दिया जाता है। ओके तो ये वाली बात है, ऐसा नहीं है कि अगर गोल्डन वीजा मिल जाता है तो वो देश छोड़ चुका है या देश का नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्या होता है, किसी भी देश में अगर आपको जाना है तो आपको वीजा लगाना होता है। अगर आप 5 बार जा रहे हो, 10 बार जा रहे हो, कितनी बार भी जाओगे तो वीजा तो लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको गोल्डन वीजा मिल गया तो आपको 10 साल का, इसका मतलब है 10 साल तक आपको वीजा लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे, जब मर्जी चाहे आप टिकट कराओ और पहुंच जाओ। जैसे कि दिल्ली से बॉम्बे के बीच में आप टिकट कराते हो पहुंच जाते हो ना, उसी प्रकार से अगर आप रहना चाहो 10 साल के लिए तो वहां पे रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको मना नहीं करेगा, समझ गए। तो ये होता है गोल्डन वीजा, यूएई जो है वो गोल्डन वीजा दे रहा है किसके भी आपके ऊपर, टैलेंट के भी आपके ऊपर। वो बोलता है दुनिया में जिसको भी हमारे यहाँ पे रहना है 10 साल के लिए 5 साल के लिए आइए, या तो आपके पास पैसा है तो इन्वेस्ट करिए, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप प्रेस्टीजियस डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट हो लॉयर हो तो आप हमारे यहाँ पे आइए, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो टैलेंट को दोस्तों लाने के लिए वो ये रेसिडेंटशिप है जो कि 10 साल के लिए दे रहा है। हमारे यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, हम लोग यहाँ पे जो हमारे सिटीजनशिप दे रहे हैं एक तरीके से रेसिडेंशियलशिप दे रहे हैं, वो हम लोग यहाँ पे रिलीजन के नाम पे दे रहे हैं, समझ गए, वो टैलेंट के नाम पे दे रहे हैं। तो ये जो अंतर है ये रात और दिन का अंतर है, समझ गए। हम अभी भी जो है वो रिलीजन के अंदर अटके पड़े, ये टैलेंट को लेके जा रहे हैं और हमारे देश से तो बहुत सारे लोगों को लेके जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों यूएई ने जो है ये वीजा है जो कि यहाँ पे दिया है। आप देख सकते हैं ये क्या है, यूएई ने 2019 के अंदर ही दोस्तों एक नया सिस्टम है जो कि जारी किया था जिसमें लॉन्ग टर्म रेसिडेंस वीजा है जो कि दिए जा रहे हैं। फॉरेनर यहाँ पे रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, ओके उनको वहां के नेशनल की स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, 100% ओनरशिप नहीं चाहिए। ठीक है गाइस, 5 साल और 10 साल के लिए जो है ये दिया जा रहा है। कोई भी इन्वेस्टर है, एंटरप्रेन्योर्स है, इंडिविजुअल्स है, कोई टैलेंटेड रिसर्चर है, मेडिकल प्रोफेशनल है, साइंटिफिक और नॉलेजेबल फील्ड का बंदा है, नॉलेजेबल स्टूडेंट है, उनको। इन्वेस्टर्स की बात ऐसा है कि अगर आपके पास में 10 मिलियन दिरहम है, यानी कि कितना हो गया, कोई 20 करोड़ के आसपास है, अगर आपके 20-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देना आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 60% आपको रियल स्टेट में नहीं करना है और लोन का पैसा नहीं होना चाहिए। समझदार आदमी है, पता लगा यहां से बैंक से लिया, मानो वहां पे सिटीजनशिप लेके वहां पे बस गए, तो लोन का पैसा नहीं होना चाहिए, आपका पैसा होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। तो संजय दत्त को जो मिला है वो भी इसी के अंदर मिला है, मतलब 20-1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो उनको गोल्डन वीजा मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है 20-1 करोड़। बाकी ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही खतरनाक एक्टर है तो वहां पे दुबई में एक्टिंग के अंदर वो बहुत ही बूम ला देंगे या फिर कोई ऑस्कर वाली मूवी बना देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो बीइंग ए इन्वेस्टर के तौर पे दोस्तों उनको मिला होगा, समझ गए। एलिजिबिलिटी 5 साल के लिए भी बताई गई है यहाँ पे, डॉक्टर रिसर्चर साइंटिस्ट इन्वेस्टर किसी को भी यहाँ पे मिल सकता है। स्टूडेंट की बात करें तो 95% मिनिमम ग्रेड चाहिए, पब्लिक या प्राइवेट सेकेंड जो भी आपके सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर, और उसके अलावा कोई अच्छा एग्जाम क्रैक किया हो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो कंट्री के और बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया हो, तो उन सबको जो है ये गोल्डन वीजा मिलता है। और ऐसा नहीं है कि दुबई ने ये स्कीम जारी करी है, दुबई ने थोड़ा सा मतलब यूएई ने जो थोड़ा सा इसमें अलग किया है वो ये किया है कि पैसे के अलावा टैलेंट को भी ये लोग लेके आ रहे हैं। लेकिन बाकी अगर यूएसए, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे भी ऐसा है कि अगर आपके पास में पैसा है 2-4 करोड़ रुपए तो आप वहां पे लगाइए और वहां को आपको सिटीजनशिप जो है तो वो तो आपको सिटीजनशिप ही दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो 50-60-70 लाख रुपए में आप गोल्ड कोस्ट और उस एरिया में इन्वेस्ट कर दो तो आपको सिटीजनशिप दे देंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, मतलब वो समझ गए। तो 1 करोड़ के आसपास भी है तो आपको मिल जाएगा वहां का, उसके बाद में आप एक तरीके से उस सरकार के दामाद बन चुके हो। और आपको मालूम है बाहर के देशों के अंदर जो है जो सिटीजनशिप होना बड़ी बात होती है, वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस से लेकर मेडिकल बहुत सारी चीजें हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, मेडिकल फ्री तो नहीं होता लेकिन हाँ मतलब उनको मिलती है इजिली, मतलब तो इसलिए कई सारे लोग जो है वो सिटीजनशिप के लिए मरते हैं, मतलब। चलिए लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, हमारा देश दोस्तों बहुत जबरदस्त है और हमें हमारे देश को जो है वो बेहतर बनाना है, ठीक है ना।
तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि चलो ठीक है आप एलिजिबल है तो देश छोड़ के चले जाओ। दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं कि देश के बाहर जाके काम करते हैं, एक होते हैं जो देश में रह के काम करते हैं। तो हमें देश में रह के देश को इम्प्रूव करने को लेकर काम करना है। सभी लोग अगर बेहतर जीवन के लिए देश अगर छोड़ के दूसरे देशों में चले जाएंगे तो कैसे काम चलेगा यार, है ना। तो ठीक है कैसी कंडीशन हो कुछ भी हो, लेकिन हमेशा देश के लिए काम करना है, जितना भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सको करना है। चलिए आगे बात करते हैं, इंडिया सपोर्ट कॉल्स ऑन प्रॉब्लम टू द कोविड ओरिजिन। तो दोस्तों अभी आपको मालूम है यूएसए ने बोला था कि हम इस बात से सेटिस्फाई नहीं है कि चाइना ने जो है किसी एनिमल से जो है ये वायरस का ओरिजिन है जो कि हुआ है। तो यूएस के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी कई सारे पब्लिकेशन ऐसे आए थे जिसमें कुछ प्रूफ है जो कि वहां पे एविडेंसेस बताए गए थे। तो यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला है 90 दिन का टाइम दिया है वहां की एजेंसीज को भी कि भाई 90 दिन के अंदर जो है पता करो कि ये ओरिजिन कहां से हुआ है। इंडिया ने दोस्तों फुल सपोर्ट है जो कि दिया है चाइना के इस वायरस को, चाइना के अंदर जो इस वायरस की शुरुआत हुई है उसके ओरिजिन को पता करने को लेकर। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके अलावा न्यूजीलैंड हो गया, कई लोगों ने दोस्तों सपोर्ट है, कई देशों ने जो है वो सपोर्ट है जो कि दिया है। WHO की जो रिपोर्ट पहले आई थी वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, कोई भी देश उसे सेटिस्फाई नहीं हो पाया। ठीक है गाइस, चलिए तो इसमें नए स्टडीज के अंदर नया डाटा है जो कि पता किया जाएगा। आप देखिए 2020 में कई सारे साइंटिस्ट उनके द्वारा रिसर्च करी गई थी, तो उन्होंने बोला था कि भाई चाइना की लेबोरेटरी के अंदर भी ये वायरस का ओरिजिन हो सकता है, तो ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। ठीक है, जेड डिवीजन की रिपोर्ट कंक्लूड करी गई थी जिसमें लैब ओरिजिन थ्योरी और जूनोटिक थ्योरी जो है वो पॉसिबल, दोनों जो है वो पॉसिबल बताई गई थी। और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दोस्तों काफी स्पॉटलाइट के अंदर आया था यूएस के अंदर, ओके, क्योंकि बताया गया था कि वहां पे लैब में कुछ साइंटिस्ट को पहले ही ये वायरस है जो कि हो गया था, है ना। तो चाइना ने हालांकि इसको लेकर मना कर दिया था पूरी तरीके से। अगर आप दुनिया में देखोगे दोस्तों वायरस को लेकर, तो सबसे आप देख सकते हो चाइना से कितने सारे देशों के अंदर अक्रॉस द वर्ल्ड है जो कि ये मतलब फैल गया अक्रॉस द वर्ल्ड। चलिए अगर आप बात करें दोस्तों डेथ की, तो अभी तक नियर बाय 3.5 मिलियन के आसपास, 35 लाख लोगों के आसपास अभी COVID-19 से डेथ हो चुकी है। 35 लाख नहीं है, 3.5 लाख के आसपास है, सॉरी 3.5 लाख नहीं है, 35 लाख, 3.5 मिलियन के आसपास है। 3-4 लाख तो हमारे देश में डेथ हो गई है और वो भी नंबर बहुत कम है। तो 35 लाख लोगों के आसपास लोगों की मृत्यु है जो कि पूरी दुनिया में हो गई है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं 14th century के अंदर सबसे खतरनाक डिजीज आया था, एक ब्लैक डेथ, ओके, ब्यूबोनिक प्लेग आया था जिसके अंदर 20 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये बात है 14th century की। उसके बाद में स्मॉल पॉक्स आया 1520 में, जिसमें आप देख सकते हैं 5.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद में स्पैनिश फ्लू आया, उसमें भी 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई 1918-1919 के टाइम पे। फिर ओके एक और प्लेग आया था 500 AD के टाइम पे, उसमें भी बोलते हैं कि 5 करोड़ आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके अलावा दुनिया में SARS है, वो आप देख सकते हो, हांगकॉन्ग फ्लू, रशियन फ्लू, एशियन फ्लू, ऐसे कई सारे फ्लू हैं जो कि हमेशा आते रहे हैं, समझ गए। एड्स की वजह से भी नियर बाय पूरी दुनिया में कोई 3 करोड़ के आसपास लोगों की अभी तक पिछले 30 सालों के अंदर मृत्यु है जो कि हो चुकी है। ठीक है, तो इसके अंदर COVID-19 की बात करें तो वो भी दोस्तों यहाँ पे 3.5 मिलियन के आसपास है जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर। सेंटर ने दोस्तों एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट करती है सिटीजनशिप को लेकर। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, UAE भी बोल रहा है आ जाओ और हम भी बोल रहे हैं आ जाओ ले जाओ, तो यहाँ पे हमने भी बोल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वाइट कर दिया हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन को, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान को, कि वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। कई सारे माइग्रेंट अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के जो है 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ के, तो वहां के कलेक्टर इसका काम को प्रोसीड करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, ये नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 था, उसको दोस्तों बदला गया, चेंज किया गया 2019 में। पहले 12 साल का क्राइटेरिया था, उसको घटा के 6 साल है जो कि कर दिया गया है, समझ गए मेरी बात। ठीक है, चलिए इसको कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों था, क्योंकि एक तो रिलीजन के नाम पर सिटीजनशिप और दूसरा इसके अंदर मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया गया है, समझ गया। इसको लेकर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी इसको डिस्क्रिमिनेटरी है जो कि करार दिया था। इसके अलावा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है वो NRC, उसको लेकर भी दोस्तों काफी ज्यादा प्रॉब्लम है जो कि क्रिएट हुए हुए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि है प्राइम मिनिस्टर के युवा प्रोग्राम को लेकर। युवा प्रोग्राम किस लिए दोस्तों, ये यंग ऑथर्स के लिए है, पूरा फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। तो ऑथर जो 30 साल से कम के लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए दोस्तों इसकी शुरुआत है जो कि करी गई है। एक बार गाइस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया और डेली 8 बजे का टाइम निकाल लिया करो यार, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं किसी भी एग्जाम में
इंडिया का कोई भी स्टेट का सेंटर का एग्जाम हो, आपको 80-90% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एज इट इज, और साथ में आपकी जो नॉलेज का लेवल होगा बहुत ही जबरदस्त होगा। आप चाहे मेंस लिखना हो, आपको हर चीज के फैक्ट आपको पता होगा, देश में दुनिया में आज क्या हुआ है, अखबार में कहां पे क्या आया है, हर चीज के बारे में आपको पता होगा। समझ गए, जब आपके सामने सारे के सारे अखबार ही है तो उससे बेस्ट और क्या हो सकता है यार। ठीक है, तो रेगुलर देखा करो, चाहे आप लाइव देखो चाहे आप लाइव के बाद में देखो, आधा घंटा स्पीड बढ़ा के देख लिया करो बाद में, लेकिन देखना देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीजें, ठीक है ना, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत काम आएगी। चलिए, तो युवा क्या एक ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें यंग ऑथर को ट्रेन किया जाएगा जो 30 साल से कम के हैं, ताकि वो रीडिंग राइटिंग और बुक कल्चर को इंडिया में प्रमोट किया जा सके। बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है, अप्रिशिएटिंग है, अगर आप किसी भी पढ़ाई को अगर बढ़ा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि रीडिंग हैबिट जो है अपनी बढ़ाया करो, 10-15 मिनट जो है कोई भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट की जो किताब है उसको पढ़ा करो, ठीक है गाइस। चलिए, तो ये फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दिए दोस्तों, ठीक है गाइस। और अगर आप लिखने में बहुत इंटरेस्टेड हो ना, अगर आप पोएम लिखते हो कुछ, अगर आप चीजें गजलें लिखते हो, अगर आप राइटिंग करते हो कुछ चीजें, तो उसको इंक्रीज क्यों करो उस अपने टैलेंट को, समझ गए, आप बहुत अच्छे ऑथर बन सकते हो। और ऐसा नहीं कि ये कोई स्कोप नहीं है, लोगों को समझ नहीं आता, ये भी एक बहुत अच्छा आपका करियर बन सकता है, ठीक है। बहुत दुनिया में अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं, देश में ऑथर्स हैं, अच्छी किताबों की जरूरत तो यार हमेशा सदियों से रही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको प्रमोट है जो कि किया जा रहा है, 75 ऑथर्स हैं जो कि बोला जा रहा है कि सेलेक्ट किए जाएंगे ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट से इस युवा स्कीम के अंदर। तो अगर आप भी राइटिंग में इंटरेस्टेड हो तो इसके अंदर अप्लाई है जो कि कर सकते हो, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं, सेकंड ब्रिक्स शेरपा मीटिंग को लेकर। शेरपा का मतलब ये नहीं है कि वो जो अपने शेरपा होते हैं जो माउंट एवरेस्ट या माउंटेन में चढ़ाई करने के काम आते हैं, शेरपा कौन है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट ऑफ किसी भी स्टेट सेंटर की गवर्नमेंट के, समझ गए। तो ब्रिक्स के जो शेरपा है ना, उनकी मीटिंग है दोस्तों जो कि यहाँ पे करवाई जा रही है, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है 1 जून को, ठीक है गाइस। इंडिया जो है इसमें चेयरमैनशिप है जो कि इंडिया के पास में होगी, ओके, और ब्रिक्स के सारे कंट्री है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, ये देख सकते हो आप, अगर ब्रिक्स की बात करें तो ये पहले तो 4 ही कंट्री थे, ब्रिक ही था पहले, फिर 2011 में साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया है ना। नियर बाय 7 बिलियन में से 3 बिलियन लोग है जो कि इन 5 कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू सेंट्रल एलोकेशन ऑफ रेमडेसिविर। तो आपको मालूम है रेमडेसिविर जो है इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है जो कि बढ़ गई थी, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, तो अभी क्या हो रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि एलोकेट कर रही थी। अभी क्या हो रहा है, रिसेंटली दोस्तों मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल और फर्टिलाइजर जो है ना मनसुख, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है मनसुख जी, उनके द्वारा बोला गया कि गवर्नमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू कर रही है सेंट्रल का एलोकेशन स्टेट को। अभी क्या हो सकता है कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग एजेंसी जो है ना वो मॉनिटर करेगी कहां पर कितने रेमडेसिविर देने हैं, नहीं देने हैं, क्या प्राइसेस होगी वो देखेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसके अंदर कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो 10 गुना ज्यादा प्रोटेक्शन की डिमांड है जो कि हो गई थी, 33,000 पर डे चाहिए था, ये 3.5 लाख पर डे है जो कि पहुंच गया था, समझ गए। तो गवर्नमेंट ने कई सारे प्लांट भी बढ़ाए मतलब प्रोटेक्शन के लिए, और अभी बहुत सारी रेमडेसिविर है जो कि बताई जा रही है जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में थी। हालांकि लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि लोग स्टॉक कर लेते हैं, रेमडेसिविर की जरूरत तब पड़ रही थी तब आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही 60-70 के आसपास पहुंचा है, लोगों ने 90-100 के आसपास है फिर भी अपने घर में रख लिए रेमडेसिविर की जरूरत पड़ेगी बाद में, इससे करके अंदर बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो गई इसकी, और जितने जरूरतमंद लोगों को जो थी ना वो नहीं हो पाई है ना। एक एंटीवायरल मेडिकेशन है, ओके, और वेटलरी के नाम ब्रांड नेम पे इसको बेचा जाता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है दोस्तों, ठीक है, इसके द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक है गाइस। दुनिया के 50 कंट्रीज में इसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल है जो कि दिया था, WHO ने भी दोस्तों इसको रिकमेंडेशन के लिए बोला था कि COVID-19 के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है गाइस। हेपेटाइटिस सी के ट्रीटमेंट के लिए वैसे तो कह रही काम में आती है, लेकिन एंटीवायरल है तो वायरस के खिलाफ काम करती है, तो इसलिए इसको भी काम में ले लिया गया, इबोला वायरस और बहुत जगह पे भी इसको काम में लेने के लिए बोला गया था, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है यहाँ पे स्टेडफास्ट डिफेंडर 21, ये वॉर गेम्स है जो कि दोस्तों करवाए जा रहे हैं। नाटो दोस्तों वापस से एक्टिव हो गया है और एक वॉर एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट करवाई जा रही है, कहां पे करवाई जा रही है, यूरोप में करवाई जा रही है, किसके खिलाफ आपको मालूम है दोस्तों, रिसेंटली रशिया ने भी अपने फुटप्रिंट यूक्रेन के आसपास बढ़ा दिए है, इसीलिए नाटो भी एक यहाँ पे स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि करवा रहा है, ठीक है। कई सारे दर्जन ऑफ एयरक्राफ्ट है जो कि दोस्तों यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। अटलांटिक ओशन ब्लैक सी वाला जो रीजन है ना वहां पे इसको कंडक्ट है जो कि करवाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है गाइस। चलिए 30 नेशन का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा,
ओके। नाटो बना इसलिए क्या था, नाटो का फॉर्मेशन इसलिए क्या गया था क्योंकि यूएसएसआर दोस्तों बहुत ही बड़ा था, तो अमेरिका अकेला उसका पार्टिसिपेंट नहीं कर सकता था, तो उसने बोला एक काम करते हैं यूरोप को भी मिला लेते हैं, तो दोनों ने मिला के क्या बना लिया, नाटो बना लिया। नाटो का क्या है कि एक देश का हमला होगा तो इसका मतलब सभी देशों का हमला हो जाएगा, इंडिया पाकिस्तान या हमारे आसपास के देश इसमें कोई भी मेंबर नहीं है। ट्रांस अटलांटिक ट्रीटी है, समझ गए, यानी अटलांटिक ओशन के लेफ्ट और राइट में जो कंट्रीज है, अमेरिका हो गया, अमेरिका कनाडा ये सब हो गया, और साथ में यूरोप हो गया, इन दोनों के बीच की ट्रीटी है, समझ गए। वॉशिंगटन ट्रीटी भी इसको कहते हैं, मिलिट्री अलायंस है, 49 में फॉर्मेशन हुआ, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है, समझ गए। सिग्निफिकेंस क्या है, कलेक्टिव डिफेंस का इनका स्ट्रेटेजी है, आपस में, खैर आजकल तो ये नाटो वाले आपस में लड़ने लग गए, क्या टर्की भर की आपस में हो गए थे गुत्थम गुत्था, लेकिन ठीक है, मतलब लेकिन फिर भी इन्होंने बना रखा है ना। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, देख सकते हो आप ये सारे देश है इसके मेंबर, ट्रांस अटलांटिक ट्रीटीज, ओके। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं परमानेंट कमीशन फॉर इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो आपको मालूम है दोस्तों पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में अभी काफी जो है कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि चल रहा था गाजा के अंदर, तो रैली बन गई थी मिसाइलों की, इन्होंने तो दिवाली जो है अपने दिवाली पे इतने रॉकेट नहीं चलते, इन्होंने जितने यहाँ पे मिसाइलें चला दी, मतलब तो ओआईसी जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ओके ठीक है गाइस, तो उन्होंने दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल को जो है वो बुलाया और बोला है कि एक परमानेंट कमीशन है जो कि सेटअप कर देना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट है जो नहीं हो सके, ह्यूमन राइट के वायलेशन है जो कि नहीं हो सके, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे प्रपोज किया गया है परमानेंट कमीशन, एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन इंक्वायरी के लिए, इसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे, इसको अपॉइंट किया जाएगा यूएनएचआरसी के द्वारा, ठीक है, जो कि ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमन राइट्स की जो लॉ है वो दोनों देशों के अंदर इसके ऊपर काम है जो कि करेगा, ठीक है। तो ओआईसी की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की, तो उसमें 57 कंट्रीज है जो कि मेंबर है, और यूएन की बात में सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो 57 किसी भी ग्रुप के मेंबर नहीं है, यूएन के बाद में ओसीआई के ही दोस्तों सबसे ज्यादा मेंबर है, और सारे मुस्लिम कंट्रीज है जो कि इसके अंदर मेंबर है। प्रोटेक्शन की बात करते हैं, किसको लेकर, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स इन ऑर्डर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी, ठीक है गाइस। इसको 1969 में जो है मोरक्को के अंदर स्टैब्लिश है जो कि किया गया था, इसका हेडक्वार्टर जो है ना ओसीआई का वो है आपके जेदा के अंदर, जेदा कहां पर है, ये है आपके सऊदी अरेबिया में, समझ गए, ये देखिए, ठीक है गाइस। इसी प्रकार से गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल भी बनाया हुआ है जो कि आपके पर्शियन गल्फ के आसपास वाले, जिनको अपन गल्फ कंट्रीज बोलते हैं, इसी प्रकार से एक अगादी एग्रीमेंट भी अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में, अरब यूनियन भी बना रखी है, ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, और ये सारे के सारे जो है ना वो ओसीआई के अंदर आते हैं सारे के सारे कंट्रीज, ठीक है गाइस। चलिए ओके, और उसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें, 2006 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, 47 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, ठीक है गाइस, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा सेलेक्ट करे जाते हैं, ठीक है, 47 कंट्रीज से ये मिलकर है जो कि बनता है, 3 बार है जो कि साल में डिबेट करते हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर और नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस को लेकर, जो कि मेजॉरिटी ऑफ वोट के द्वारा यहां पे डिसाइड करे जाते हैं, ठीक है। चलिए आज के इन दिन के इतिहास की बात करें, तो 1926 में एक हिंदी न्यूज़पेपर का पब्लिशिंग स्टार्ट हुई थी, ओके, यहां पे देख सकते हो आप मार्टंड, युद्धन मार्टंड, इसको पंडित श्रीधर जी के द्वारा लॉन्च किया गया, 25वां राज्य बना गोवा 1987 में, और 1961 में साउथ अफ्रीका जो है वो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना, 1879 के अंदर सीमेंस ने वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है जो कि दोस्तों बनाया था, ठीक है गाइस। तो ये था दुनिया को लेकर, और साथ में बात करते हैं फन फैक्ट को लेकर, आपने ऐसे कभी ताले देखे हैं जो नीचे से लॉक होते हैं, अगर आप कभी ऐसे ताले देखोगे ना तो उसके अंदर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, जो कि साइड में एक छोटा सा होल का होता है। अब आप बोलोगे सर ये छोटा सा होल किस चीज को लेकर है, बस यही यहाँ पे फन फैक्ट है, ये छोटा सा होल इसलिए ताकि इस लॉक के अंदर जो है ना वो वेपर की वजह से कोरोजन ना हो जाए, इसलिए दोस्तों जो मॉइस्चर निकलने के लिए छोटा सा एक होल है जो कि यहाँ पे तालों में दिया जाता है, समझ गए मेरी बात। कई बार क्या होता है सर्दियों में जो है वो वेपर जम जाती है, उससे कोरोजन हो जाता है, तो फिर आपका ताले का जो चाबी है वो नहीं खुल पाती, बहुत ही हार्ड हो जाता है, इसीलिए साइड में दोस्तों एक छोटा सा होल है जो कि इसके अंदर दिया जाता है, समझ गए मेरी बात। तो ये बनाया गया, आगे बात करते हैं, पॉजिटिव रहिएगा कोविड में, पॉजिटिव माइंड रखिए, पॉजिटिव वाइब्स रखिए, और आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी पॉजिटिव है जो कि देखने को मिलेगी, ठीक है। कैसे भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, लगे रहना है, स्ट्रगल जो है वो नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, आज का स्ट्रगल जो है वो आपके कल की सक्सेस में जरूर कन्वर्ट होगा, ओके गाइस। बात करते हैं अगर आपके आज के अगर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो अगर आपको अनअकैडमी में कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप BHU10 है जो कि टाइप कर सकते हैं, या Bhuvnesh10 लिख सकते हैं, जिससे 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। 2nd of June से दोस्तों जीके का नया बैच लॉन्च हो रहा है SSC के अंदर, अगर आपने कभी तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस
और स्ट्रेटेजी के ये सब नहीं पड़ी गाइस, तो आपके पास मौका है। 2 जून से पहली क्लास है सुबह 9 बजे अनअकैडमी प्लस में, तो ज्वाइन कर लेना, मजा आ जाएगा आपको। ऐसी जीके आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ी होगी। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी एसएससी में मात्र 450 रुपए पर मंथ में। करना क्या है आपको, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद अपना गोल सेट करिए, एसएससी, यूपीएससी, आईआईटी, नीट, जो भी आपका गोल है, प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में, उसके बाद 12 या 24 महीने सेलेक्ट करके नीचे BHU 10 लगा दीजिए। ठीक है गाइस, BHU 10 लगाने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा, EMI के माध्यम से भी आप पे कर सकते हैं। आज का पहला सवाल है, UNHCR को एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों कब किया गया था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है जो कि है युवा प्रोग्राम किसके लिए लॉन्च है जो कि किया गया है। थर्ड है OIC कितने कंट्रीज से मिलकर है जो कि बना है, OCI। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जो है दोस्तों उदंत मार्टन ने किस वर्ष प्रकाशित किया गया। साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट दोस्तों कब बना, ये आपको बताना है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।